अच्छा ये मैं शर्ट तैयार कर लेती हूँ, कटाई करने लगी हूँ। इसकी हम लेंथ देख लेते हैं कितनी है। इसके अंदर से ही बाजू निकलेंगे, ठीक है। 41 में एक होती, थोड़ी सी बस ज़्यादा है, वो कटिंग में निकल जाएगी। ये सीधी है, ये उल्टी है, हम ये उल्टी से ऐड कर लेंगे सारी। ठीक है, ये उल्टी से ऐड कर लेंगे। साढ़े 13 इसकी चौड़ाई रखनी है, ठीक है। और लंबाई हमने रखनी है 41 तैयार रखनी है ना, हमने ये रखनी है 42.5, ठीक है। अच्छा 42.5, आठ इंच हमने ऊपर से रखनी है पतीला, 8 इंच पे हमने निशान बनाया। पौने 11, 15 इंच, 14 इंच पे हमने दस इंच पे हम कमर पे लगाएंगे, ठीक है। ये हमारी सिलाई का, ये कटाई का, ये सिलाई का, ठीक है। अभी हम दोनों कटिंग करके फिर आगे पीछे वाला लदा करके तो फिर हम वो आगे मोटे की कटाई करेंगे, ठीक है। आधा इंच ऊपर से करते हैं, ठीक है। अब जी हम घेरा को लदा लदा करेंगे, ठीक है। हम पहले निशान लगा लेंगे, पहले ये निशान लगाएंगे, ठीक है। हमारे निशान लग गए, फिर हम ये करेंगे अलग, इसका आगे वाला अलग, पीछे वाला अलग करके इसको थोड़ा सा कटिंग करेंगे। ये जो मोटे की कटिंग है आगे वाले की, इधर से आराम से हल्का सा शुरू करेंगे, इधर से ज़्यादा करके इतनी कटेंगे। ये आगे वाला है, इसका हम निशान लगा लेंगे ऐसे कटिंग करके, ये आगे वाला है, ठीक है। अब ये बाजू के लिए कपड़ा है,
इसको हम ऐसे कर लेंगे। ये हम इसके साथ ऐसे जोड़ लें, देखेंगे ये इसके कैसे है, लंबाई देखेंगे पहले कितनी है, ठीक है 22-21 इंच रह जाएगी, ये कपड़ा ही इतना है, ठीक है इसके हिसाब से बनाएंगे। इसके अलहदा कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे क्योंकि ये लाज है 8x8। इसको हम रखेंगे 6 इंच इधर से, ठीक है, और 9.5 है ना इधर 8.5 सिलाई करनी है, और इधर से 3 इंच हमने रखनी है कटाई के लिए। ठीक है इसको लदम कर लिया, ये हमारा पिछली साइड हो गया और ये आगे हो गया। इसके मैंने बताया हुआ कि ऐसे कटिंग करनी है इसको थोड़ा सा, ठीक है।